अस्सलामुअलैकुम और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। तलबा और तालिबात तैयारी कर लें, तमाम तालीमी बोर्ड्स तैयार हैं। मैट्रिक का रिज़ल्ट कब सुनाया जाएगा, बस चंद ही घंटे बाकी रह गए। तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल औसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और डेली औसाफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लें। तलबा और तालिबात तैयारी कर लें, HEC हुकाम का कहना है कि तमाम तालीमी बोर्ड्स के नतायज तैयार हैं। समरी के मीटिंग मिनट्स का इंतज़ार है, पीर या मंगल को इंटरमीडिएट नतायज का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक काबीना ने प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी मिलने के बाद 18 सितंबर जुमे के रोज़ मैट्रिक के नतायज जारी होने का इम्कान है। पीर के रोज़ पंजाब काबीना की जानिब से मैट्रिक और इंटरमीडिएट तालबात की प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद इस बात का इम्कान है कि जुमे के रोज़ तमाम तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक के नतायज का ऐलान कर देंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुकाम का कहना है कि तमाम बोर्ड्स की जानिब से नतायज पहले ही तैयार हैं। जैसे ही मंजूर शुदा समरी के मीटिंग मिनट्स वापस आएंगे, अगले दिन नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। जबकि इंटरमीडिएट के नतायज के हवाले से हुकाम का कहना है कि पीर या मंगल के रोज़ इंटरमीडिएट नतायज का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इससे कबल पंजाब तालीमी बोर्ड्स कंपनी के चेयरमैन ने मैट्रिक के लिए 14 और इंटरमीडिएट के लिए 17 सितम्बर की डेट दी थी। तहम प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी ना मिलने की वजह से नतायज इल्तवा का शिकार हुए। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स में मैट्रिक और इंटरमीडिएट क्लासेस मजमूई तौर पर 40 लाख बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई थी। मैट्रिक के इम्तहानात तो मुनक्किद हुए थे लेकिन प्रैक्टिकल कोरोना की वजह से मनसूख कर दिए गए थे। इसी तरह 9वीं जमात के 4 पर्चे मुनक्किद हुए थे, जबकि 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात मुनक्किद ही नहीं हो सके थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए औसाफ डिजिटल के साथ रहें।